कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि अगर हम किसी एलिमेंट पर होवर करें तो कलर चेंज हो जाए बटन का, या फिर अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर लिस्ट आइटम पर नेविगेशन बार के अंदर लिस्ट आइटम पर होवर करें तो उसका कलर थोड़ा फेड हो जाए या डार्क हो जाए, ताकि यूज़र को प्रतीत हो कि एक्चुअल में कुछ हो रहा है। वेबसाइट में इस तरह से हरकत होती हुई दिखती है तो यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होता है। टेलविंड CSS की सहायता से ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं और बड़े आराम से यूटिलिटी क्लासेस को ऐड करके की जा सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होवर स्टेट को, फोकस स्टेट को और भी बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, उनको किस तरह से टेलविंड CSS में आप लोग यूज कर सकते हो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये किस तरह से जादू किया जाता है। मैं चुका हूं वापस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं होवर, फोकस और अदर स्टेट्स को। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि आप लोग टेलविंड के अंदर क्लासेस लगाकर अपने बटन को स्टाइल कर सकते हो, आपको पता है कि आप बैकग्राउंड स्टाइल कर सकते हो, आप किसी भी एलिमेंट पर होवर करने के बाद यानी कि अपने माउस एरो को ले जाने के बाद कुछ हरकत करवा सकते हो। अब मैं बताता हूँ ये किस तरह से दिखेगा। अगर मैं एक वेबसाइट पर जाता हूँ, मैं एक बहुत ही रैंडम सी वेबसाइट चुन रहा हूँ, strapi.io, क्योंकि मेरे दिमाग में भी कुछ और नहीं आ रहा है। अब देखो जैसे ही मैं माउस एरो यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, अब देखो बटन का कलर चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे ही मैं अपना एरो लेकर जाता हूँ इस बटन के पास, तो ये चीज़ कैसे करनी है, किस तरह से होवर करने पर, किस तरह से अपने माउस एरो को ले जाने पर, इस पर आप कुछ और क्लासेज ऐड कर सकते हैं टेलविंड के अंदर। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, जल्दी से अपनी टेम्पलेट को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा tailwind tutorial 8, ठीक है, tailwind tutorial 8। और यहाँ पर tailwind tutorial 8 करने के बाद मैं जल्दी से खोल लूँगा इसको कोड के अंदर और npm i लिख दूँगा, बस npm i, इतना काफ़ी है, इससे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और npm run start लिख दूँगा, क्या लिखूँगा, npm run start, इतना काफ़ी है बस, ठीक है। और इसके बाद क्या करूँगा, localhost 3000 को खोल लूँगा और यहाँ पर देखो मेरी जो टेम्पलेट है वो आ चुकी है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो index.html के अंदर ये जो div लगा हुआ है ना, मैं इसको हटा दूँगा यहाँ से, ठीक है। और मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर एक बटन लिखूँगा, ठीक है, एक बटन बनाऊँगा और यहाँ पर बटन के अंदर एक क्लास दे दूँगा btn, ठीक है, btn नहीं दूँगा मैं, जस्ट क्लास वाला जो एट्रीब्यूट है ये लाना चाहता था, ये चीज़ मैं टाइप नहीं करना चाहता था मैनुअली, इसलिए मैंने .btn लिखा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लिख दिए। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मान लो मैं इसको पैडिंग देना चाहता हूँ px4, मान लो मैं py2 देना चाहता हूँ, मान लो मैं इसको bg purple देना चाहता हूँ, मान लो, और purple 800 देना चाहता हूँ। टेक्स्ट मैं इसको वाइट देना चाहता हूँ और ये बटन को जिस तरह से दिख रहा है देख सकते हो आप लोग, टेक्स्ट वाइट, मैंने इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा नहीं है, सबमिट नाउ, ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह से इसको लिख रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग, सबमिट नाउ, काफ़ी बड़ा हो गया ये बटन। तो मैं क्या करूँगा, इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा text sm, ठीक है, थोड़ा इसके टेक्स्ट को स्मॉल कर दूँगा। और यहाँ पर लगता है मैंने जूम कर रखा है इसका टेक्स्ट, तो ठीक है मैंने जूम कर रखा था, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो सबमिट नाउ, ये बटन इस तरह से आ गया। और मैं एक काम और करूँगा, इसको एक डिव के अंदर डाल दूँगा जिसमें मैं एक बहुत ही रिडिकुलसली हाई मार्जिन दूँगा 22 की, और m22 कर दूँगा इसको मैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों में 22। मैं देखता हूँ ये क्लास टेलविंड में है कि नहीं, लगता है क्लास टेलविंड में होती नहीं है m22। मैं यहाँ पर mx22 खोज रहा हूँ, वो भी नहीं है, देखता हूँ यार क्या यहाँ पर MX36 है, ठीक है, क्या M36 होता है कुछ टेलविंड के अंदर, हाँ होता है, ठीक है, कूल। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया M36 करने के बाद। और मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से इसको ऐसे डिब में डाल दूँगा और ये बटन मेरा यहाँ पर आ गया। अब देखो मैं क्या खेल करूँगा इसके साथ, सर्कस देखना क्या करूँगा मैं। बाय द वे सर्कस से याद आया कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक जादू दिखाया यार, कमेंट में लोगों ने किसी ने कुछ लिखा कि यार आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, कोई कह रहा है कि आपने एडिट कर दिया वीडियो, कोई कह रहा है कि आपने ऊपर फेंक दिया तार और दूसरा तार ले आए नीचे से, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है लोगों ने। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो के बीच में। अभी यहाँ पर बटन को स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि राउंडेड लिख दूंगा कुछ इस तरह से, मान लो मैं rounded md लिखता हूँ। rounded md लिखने के बाद आप देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से, मतलब देख रहे हो कितना बढ़िया बटन बना दिया हमने इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में तो नहीं बनाया, फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट में, ठीक है। और फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट में इतना बढ़िया हमने बटन बना दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यार जैसे ही इस पर होवर किया जाए, यानी कि होवर कॉलन, मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज होकर थोड़ा सा कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है। तो मैं अब अपना एरो लेकर जाऊंगा, यहाँ पर देखो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा चेंज हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पर्पल 800 से पर्पल 900 हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको bg
पर्पल लिख दूंगा, पर्पल 600 हो जाए। मैं जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनकास्ट मोड और वर्ड रैप को टॉगल कर लूँगा, ठीक है। मैंने दोनों चीज़ों को टॉगल कर लिया, हाँ अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब देखो मैं अपना माउस जरूर लेकर जा रहा हूँ तो ये इस तरह से थोड़ी सी हरकत हो रही है, और अच्छा रहेगा अगर मैं इसको 700 ही कर दूँ तो, ज़्यादा बड़ा चेंज मैं नहीं रखना चाहूँगा। देखो मैं यहाँ पर माउस जरूर लेकर जा रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से मैं इसकी इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकता हूँ जैसे ही हम होवर स्टेट में एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं टैप दबाऊंगा, आप लोग देख रहे हो, मैं जैसे ही टैप दबाऊंगा ये फोकस में आ गया बटन, देख रहे हो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया यहाँ पर, देख रहे हो अब भी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा। अब मैं टैप दबाऊंगा ये फोकस से हट चुका है बटन। बाय द वे मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोग को एक बहुत ही क्विक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं उसके लिए आप लोगों को लेकर चलना चाहूँगा एक स्टैक ओवरफ्लो के आंसर पर जो कि बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है उस चीज़ को। मैंने सोच लिया कि इंटरनेट पर जो भी अच्छी अच्छी रिसोर्सेज हैं उनको आप लोग को दिखाकर उनसे जो जो चीज़ लर्निंग आप लोग ले सकते हैं वो मैं आप लोगों को दूँ। ये जो क्वेश्चन है इसका लिंक या तो आप टाइप कर लेना, ये आ जाएगा गूगल में, या फिर आप मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट में बताना। फोकस और एक्टिव टू डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। फोकस स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एलिमेंट को सेलेक्ट कर रखा है फॉर रिसीव इनपुट, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं किसी इनपुट में कोई टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, कुछ लिखना चाहता हूँ, कोई फॉर्म सबमिट करने वाला हूँ, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ इनपुट टैग में, तो वो फोकस स्टेट में आ जाता है। एक्टिव स्टेट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट द स्टेट वेन द एलिमेंट इज बींग एक्टिवेटेड बाय द यूजर, जैसे ही मैं एक बटन पर क्लिक करता हूँ वो एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जब आप टैब बटन दबाते हो तो आप फोकस में लेकर आते हो, जैसे कि मैं इस पेज पर अगर टैब दबाना शुरू कर दूँ तो ये देख रहे हो आप फोकस में, ये आ गया, अब ये आ गया, अब ये आ गया फोकस में, अब ये आ गया फोकस में, तो यहाँ पर मैं फोकस में ला सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, मान लो मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा, अभी मैंने एंटर की प्रेस कर दी तो क्या हुआ, ये प्रोफाइल खुल गई, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तब यहाँ पर इसकी CSS क्या होनी चाहिए वो मैं ये एक्टिव वाली स्टेट से देखूंगा। CSS में ये काम कैसे किया जाता है, CSS में ये काम किया जाता है कोलन लगाकर, कोलन एक्टिव, कोलन होवर लगाकर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये काम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग टेलविंड की यूटिलिटी क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे करेंगे आप लोग देखो अभी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार जैसे ही बटन एक्टिव होता है मैं इसके बैकग्राउंड को करना चाहता हूँ पिंक, ठीक है, इसके बैकग्राउंड को पिंक करना चाहता हूँ, और चूँकि बहुत अजीब दिखने वाला है, ये देख रहे हो आप लोग, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके बैकग्राउंड पिंक हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस पर क्लिक किया जा रहा है। अब मैं इसको पिंक नहीं करूँगा ऑब्वियसली, मैं इसको थोड़ा सा इसी कलर का रखना चाहूँगा, जैसे कि बीजी पर्पल 800 था तो मैं इसको बीजी पर्पल 900 कर दूँगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा चेंज दिखे, ऐसा लगे कि हाँ भाई कलर बदल रहा है बटन का जैसे ही उस पर क्लिक किया जा रहा है, देख रहे हो ये देखो, जैसे कोई क्लिक करे तो मतलब यूज़र को लगना चाहिए कि यार कुछ हो रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करने के बाद यानी कि कुछ हरकत हो रही है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ है जैसे था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चेंज होना चाहिए, तो वो हो रहा है यहाँ पर। अब ये काम मैंने कर दिया, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये फोकस में आए तो मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जैसे ये फोकस में आए इसका जो बीजी है वो ब्लैक हो जाए, ठीक है, और बहुत ही अजीब सी बात है बट मैं चाहता हूँ ये ब्लैक हो जाए। आप देखो मैं टैप दबा रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पर ब्लैक हो गया, आप देख रहे हो ब्लैक हो गया इसका बैकग्राउंड, तो जैसे ये फोकस में आया इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। और मान लो मैं फॉर सम रीज़न चाहता हूँ कि जैसे ये फोकस में आए तो मैं जो इसकी आउटलाइन है उसको मैं आउटलाइन को मैं देना चाहता हूँ, लेट अस से आउटलाइन रेड, ठीक है, आउटलाइन रेड 700, ठीक है, मैं कुछ इस तरह से देना चाहता हूँ। अब देखो मैं जैसे टैप दबाऊंगा ये देखो इसकी आउटलाइन जो है रेड कलर की यहाँ पर आ गई, आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने जूम कर लिया काफ़ी। तो इस तरह से आप लोग जो है अलग अलग स्टेट्स को दर्शा सकते हो टेलविंड में कि क्या हो किसी भी बटन पर क्लिक किया जाए, और किसी भी बटन पर अगर माउस ओवर किया जाए, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से अगर मैं इसे माउस ओवर कर रहा हूँ, अभी एक्चुअली ये फोकस में आ चुका है बटन जिसकी वजह से ये यहाँ पर ब्लैक कलर दिखा रहा है, ठीक है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये ब्लैक कलर दिखाए फोकस में, तो जिसमें आप लोग को बता रहा था मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। नहीं मैं ये आउटलाइन रखना चाहता हूँ फोकस पे, चलो आउटलाइन रखता हूँ फॉर कोड पर्पसेस, मैं चाहता हूँ कि आपको कोड मिले तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को यहाँ पर आउटलाइन देखने को मिले। अब देखो मैं जैसे ही यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ वैसे ही आउटलाइन आ रही है, क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हो कि ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पर मज़ा आया इसको देखकर, और आप लोग को यहाँ पर इस तरह की क्लासेस को यूज़ करना आ गया। अब यही चीज़ आप लोग कर सकते हो नेविगेशन बार में भी, यहाँ पर बहुत सारे बटन्स होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्टर्स, वहाँ पर जब आप माउस लेकर जाओ तो मे बी आप चाहोगे कि कलर चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत फेड हो जाए या कुछ हरकत होती हुई दिखे, ताकि यूज़र को लगे कि हाँ यार मैं अपना माउस एरो यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए आप लोग इस तरह की क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाने से पहले एक बात आप लोग को बता के जाऊँगा कि ये काम आप लोग
टेलविंड की और यूटिलिटी क्लासेस या टेलविंड के ब्रेक पॉइंट्स के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं चाहता हूँ कि स्मॉल स्क्रीन पर अगर होवर किया जाए तो बैकग्राउंड पर्पल 700 होना चाहिए, लेकिन अगर लार्ज स्क्रीन पर या फिर मैं कहूँगा MD या LG स्क्रीन्स पर, लार्ज स्क्रीन्स पर जो अगर मैं होवर करूँ तो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड हो ग्रीन फॉर सम रीज़न, ठीक है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्लासेस को देखकर डायरेक्टली पता चल रहा है कि क्या होने वाला है, और यही टेलविंड की ब्यूटी है और यही यूटिलिटी क्लास वर्कफ्लो की ब्यूटी है, चाहे मैं टेलविंड यूज़ करूँ या मैं कोई और फ्रेमवर्क यूज़ करूँ यूटिलिटी क्लास वाला, यही ब्यूटी है कि यहाँ पर मैंने बता दिया है कि भाई स्मॉल स्क्रीन पर होवर करने पर ये वाला कलर दिखना चाहिए और लार्ज स्क्रीन पर होवर करने पर ये वाला कलर दिखना चाहिए। लेट्स सी दिस इन एक्शन, इसको एक्शन में देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो, मैं अगर इसको लार्ज स्क्रीन में रखता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं अब अपना यहाँ पर होवर कर रहा हूँ इस पर, यानी कि अपना माउस एरो लेकर जा रहा हूँ। बाय द वे यहाँ पर मैं टच स्क्रीन वाले सिस्टम में आ चुका हूँ इस तरह से, तो ये कुछ मुझे ऐसे दिखा रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं माउस एरो लेकर जाता हूँ यहाँ पर, तो ये ग्रीन कलर हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हूँ माउस एरो लेकर जा रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया कि यार जैसे ही होवर करो स्मॉल स्क्रीन पर तो बैकग्राउंड पर्पल ये होना चाहिए, और अगर लार्ज स्क्रीन पर करो तो बैकग्राउंड ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि यार अब मैं यहाँ पर एरो लेकर जा रहा हूँ तो ये ग्रीन कलर का हो जा रहा है, विच साउंड्स एब्सोल्युटली अमेजिंग कि इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हो टेलविंड के अंदर। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं जो कि ये सारी की सारी चीज़ें एक बार में डेमोस्ट्रेट करके दिखाएगा, आप लोग को पता चलेगा कि UIs को बनाना कितना आसान हो जाता है टेलविंड CSS की इस्तेमाल करके। और टेलविंड CSS की सबसे बड़ी ब्यूटी एक और ये भी है कि आपको कुछ कंपोनेंट्स रीयूज़ करने के लिए मिल जाते हैं, और आप लोग डायरेक्टली उनको कॉपी पेस्ट करके उसके बाद कस्टमाइज कर सकते हैं, और वो कंपोनेंट्स एक्चुअल में रीडेबल होते हैं, जैसे कि ये वाला बटन कंपोनेंट, जैसे कि मैं यहां पर देख सकता हूं कि भाई एक्स में पैडिंग 4 की दी गई है, वाई में 2 की दी गई है, पर्पल 800 और इसके बाद टेक्स्ट वाइट, फिर राउंडेड MD यानी कि इसमें राउंडेड कॉर्नर्स हैं, इतने बड़े राउंडेड कॉर्नर्स हैं, SM स्मॉल डिवाइसेस में अगर होवर करूंगा तो बैकग्राउंड पर्पल 700 हो जाएगा। लगता है देखने में कि यार ये क्लासेस तो बड़ी मेस क्रिएट कर रही है, बट एक्चुअल में टेलविंड की यूटिलिटी क्लासेस जब आप एक HTML एलिमेंट के साथ रीड करते हो तो वो बहुत ज़्यादा रीडेबल होती है। ज़रा सोचो अगर यही काम हम लोग CSS फाइल की सहायता से कर रहे होते और HTML यहाँ पर लिखते और एक style.css होती, और मान लो आप 6 महीने बाद या मे बी 6 साल के बाद आप अपने प्रोजेक्ट पर वापस आते हो, तो आप डेफिनेटली अगर आपने क्लास इज इक्वल टू माई स्मॉल टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप जाकर देखोगे उस माई स्मॉल टेक्स्ट के अंदर क्या स्टाइल्स डिफाइंड है, ठीक है। और डेफिनेट सी बात है कि आप BG अगर मान लो आपने एक BG लार्ज बनाया है या फिर BG कंटेनर बनाया है तो आप जाकर देखोगे कि BG कंटेनर के अंदर कौन सा बैकग्राउंड कलर डिफाइंड है। सो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है कि यूटिलिटी क्लास वर्कफ्लो क्यों इतना बढ़िया है और क्यों इतना ज़्यादा रीडेबल है, और कंपेयर करें इससे ट्रेडिशनल CSS वाले वर्कफ्लो से तो क्यों इसको ज़्यादा बेटर माना जाता है व्हेन इट कम्स टू रीडेबिलिटी। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपने अभी तक टेलविंड CSS का कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो ज़रूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।